हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों मैंने नया फ़ोन लिया तो मेरा जो पुराना फ़ोन का डेटा है वो नए फ़ोन में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अभी देखिए 26% हो चुका है और इसी तरीके से वो बढ़ता रहेगा। ये मेरा पुराना फ़ोन है, यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन सेवर ऑन हो जाता है, दोनों फ़ोन में एक साथ में ऑन हो जाता है। तो आप चाहे तो स्क्रीन सेवर ऑन भी कर सकते हो और आप चाहे तो स्क्रीन सेवर बंद भी कर सकते हो। ये मेरा नया फ़ोन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मेरा नया फ़ोन में डेटा आ रहा है ये मेरा पुराना फ़ोन है, ठीक है। तो यहाँ से आप किस तरीके से पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में अपना सारा डेटा, ऐप हो गया, कॉल लॉग हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, फिर उसके बाद आपके एप्लीकेशन हो गया, मैसेजेस वगैरह हो गया, सारी चीज़ें किस तरीके से आप ले सकते हो, वीडियो हो गया, इमेजेस हो गया, सारी चीज़ें आप एक ही साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट आपको लगेगा और सारा डेटा आपका जो है जूने फ़ोन से नए फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है पता है कि पुराने फ़ोन में आपको है ना, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर के ऊपर चला जाना है। यहाँ पर देखिए मैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर चला जाता हूँ सिंपल। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, सिंपल सा गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पे चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे फ़ोन में, जो पुराने फ़ोन में मैंने गूगल प्ले स्टोर, यहाँ पे सिंपल सा देखें, यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर मुझे मिल गया है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा सर्च करना है। यहाँ पे देखिए मुझे कोई नेटवर्क का इशू मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको। अब मेरा जो वाईफाई है प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। क्या आपको सर्च करना है पता है क्या, इजी शेयर करके आपको एक एप्लीकेशन है, वो यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है। जैसे कि इसके स्पेलिंग भी दिखा देता हूँ, इजी शेयर करके यहाँ पर लिख देना है, SHARE शेयर करके, और यहाँ पर सिंपल सा सर्च कर लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पर सर्च करने के बाद ना आपको एक एप्लीकेशन आएगी, कुछ तो दिखने में कुछ इस तरीके से रहेगी। और यहाँ पर मैं भी जूम करके भी दिखा देता हूँ कि आपकी जो स्पेलिंग है ना वो इस तरीके से आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा मेरा नेटवर्क का इशू है, चलिए अभी वो फटाफट आ गया है, नेटवर्क प्रॉपर तरीके से बराबर हो गया है। और ये इजी शेयर एप्लीकेशन है ना, कुछ इस तरीके से दोस्तों दिखाई दे रही है। तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा पता है कि इसको ओपन कर लूँगा। तो ये आपको नए फ़ोन में भी करना है और पुराने फ़ोन में भी करना है। पुराने फ़ोन में तो मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अब नए फ़ोन में भी मैं क्या करूँगा, इजी शेयर यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ सिंपल सा, ठीक है। तो ये मैं ना प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा हूँ आपको, तो ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप है ना कि अपने पुराने फ़ोन का डेटा जो है वो नए फ़ोन में किस तरीके से एक ही बार में सारा का सारा डेटा आप ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इजी शेयर सर्च कर लूँगा और इजी शेयर यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों मैंने नए वाले फ़ोन में भी इजी से इंस्टॉल कर लिया है, सिंपल सा इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे भी आपको क्या ओपन कर लेना है, मैं यहाँ पे नए फ़ोन में पहले ओपन कर दिया, फिर पुराने फ़ोन में यहाँ पे सिंपल सा ओपन कर लेना है, ठीक है। दोनों में देखिए एक ही ऐसा फाइल ट्रांसफ़र आ रहा है और नीचे फ़ोन क्लोन आ रहा है, दोनों में देखिए एक ही ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, फ़ोन क्लोन के ऊपर क्लिक करना है, दोनों में क्या करना है, फ़ोन का जो क्लोन है ना उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो ओल्ड फ़ोन है ना, तो दिस इज़ ओल्ड फ़ोन, तो सेट नाउ के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपको परमिशन मांगेगा। और न्यू फ़ोन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली बोलेगा आपका एंड्रॉयड है क्या, आईफोन है। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, इधर पे एंड्रॉयड के ऊपर चला जाऊँगा और सिंपल से मैं एंड्रॉयड के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बोलेगा सेट नाउ, ठीक है। सेट नाउ के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो दोस्तों यहाँ पे ये बोलेगा लोकेशन आपकी है ना ऑन कर लो। तो सिंपल से आपको क्या करना है, आपकी जो लोकेशन है ना वो ऑन कर देनी है, ठीक है। ये रिक्वायर है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आप अगर ऑन कर दोगे फिर यहाँ पर भी आपको है ना इसकी जो लोकेशन है ना वो ऑन करने बोलेगा, ठीक है। पुराने फ़ोन में भी वो लोकेशन ऑन करना है और नए फ़ोन में भी ऑन करना है। तो यहाँ से दोनों तरफ से क्या करना है, दोनों फ़ोन में अभी है ना बैक कर देना है, ठीक है। बैक निकलने के बाद वापस से एंड्रॉयड के ऊपर जाना है, तो उसका गॉट इट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है वाईफाई आपने कनेक्ट कीजिए करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाईफाई कनेक्ट कर लूँगा। अब क्या है कि पुराने फ़ोन में भी यहाँ पे लिख के आया कि दिस इज़ ओल्ड फ़ोन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसके ऊपर है ना आपको है ना एक QR स्कैनर आएगा, तो ये इसको अगर एंड्रॉयड के ऊपर, अगर आप नए फ़ोन में एंड्रॉयड के ऊपर क्लिक करोगे, मतलब कि आपका आईफोन है तो आईफोन के ऊपर क्लिक कीजिए, एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड, मेरा तो एंड्रॉयड है, तो मैं जैसे क्लिक, तो वाईफाई की सेटिंग के ऊपर वो मांग रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ तो ये गॉट इट के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वाईफाई ओपन करने बोल रहा है। तो मैं सेटिंग में चला जाऊँगा और यहाँ पर वाईफाई को क्या करूँगा, ऑन कर दूँगा। तो सिंपल सा मैं ऑन करूंगा तो मेरा ऑलरेडी हॉटस्पॉट चालू है तो वो बंद हो जाएगा। ओके करने के बाद मेरा जो वाईफाई है वो ऑन हो जाएगा और हॉटस्पॉट जो है वो बंद हो जाएगा। अब है ना एक चीज़ आप देख लेना, वापस से मैं बैक अगर निकलता हूँ नए फ़ोन में तो यहाँ पे मुझे स्कैन करने बोलेगा, वापस से एंड्रॉयड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे स्कैन करने बोलेगा। तो मैं क्या करूँगा, नए फ़ोन का स्कैन ओपन करूँगा और यहाँ पर पुराने फ़ोन को क्या करूँगा, स्कैन करूँगा, उसका जो QR कोड है उसको स्कैन कर लूँगा। और जैसे स्कैन करूँगा ना तो इसमें क्या होगा पता है कि ये कनेक्ट हो जाएगा। और स्कैन करने पर भी अगर कनेक्ट नहीं होता है ना तो उसमें
एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप मैनुअली कैसे ऐड करके आप कनेक्ट कर सकते हो, सिंपल सा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है पता है कि चलिए अभी है ना ये कनेक्ट नहीं हुआ मेरा, अब मैं क्या करूँगा मैनुअल आपको करके दिखा दो। कभी कभार स्कैन करने पर भी हो जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कनेक्ट नहीं होता है, तो वो क्या है कि मैनुअल तौर पर भी आपको कनेक्ट करना पड़ता है। वाईफाई आपने चालू कर दिया और यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए ये पुराने वाले फ़ोन में ना यहाँ पर देखिए इसका वाईफाई दिखाई दे रहा है, एंड्रॉयड शेयर करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी आगे देखिए एंड्रॉयड शेयर करके, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और नीचे की तरफ है ना पासवर्ड दिया गया, आप ये आइस के बटन के ऊपर क्लिक करोगे ना तो इसका जो पासवर्ड है ना वो जैसे कि तैसे पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो गया, और डन के ऊपर मैं क्या करूँगा क्लिक कर दूंगा, और वापस से स्कैन करने के लिए बोल रहा है, तो वापस से मैं एक बार क्या करूँगा स्कैन कर दूंगा। सिंपल सा देखिए ये स्कैन हो गया है और ये कनेक्टेड होने के लिए तैयार हो गया है, ठीक है। तो मुझे तो मैंने तो एक दो बार स्कैन किया तो मुझे क्या है कि दो तीन बार अनसक्सेसफुल बताया है, लेकिन जैसे ही मैंने वाईफाई चालू करके नीचे मैनुअल मैंने ऐड किया है ना तो वो क्या है कि कनेक्ट हो गया है। तो अब देखिए ये मेरा अभी ये कितनी बार ट्राई करने के बाद ये क्या है कि ये मैंने स्कैन करते गया, फिर उसके बाद मैनुअल मैंने डाला ना तो मेरा क्या है कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब देखिए पुराने फ़ोन में आपको बोल रहा है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए करके, एप्लीकेशन डेटा चाहिए, ऐप्स चाहिए, या तो फिर कॉन्टैक्ट आपका चाहिए, कॉल लॉग चाहिए, यानी एक साथ में आप सारा का सारा चीज़ आप क्या कर सकते हो एक ही बार में ले सकते हो, ठीक है। गॉट इट के ऊपर आप क्लिक करो, वो टिप्स आपको बता रहा है कैसे लेना है करके, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा कनेक्ट करूँगा, कॉन्टैक्ट तो मुझे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद कॉल लॉग भी मुझे चाहिए, उसके बाद मैसेजेस मुझे चाहिए, इवेंट वगैरह मुझे चाहिए, ठीक है। मेरी इमेजेस, मेरे पुराने फ़ोन में जितने भी इमेजेस है वो मुझे चाहिए, मेरे पुराने फ़ोन में जितने भी डेटा है मतलब कि वीडियोज़ वगैरह है वो मुझे चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा जो फोटो है कॉन्टैक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो ये सारी चीज़ें चाहिए, और ये सारी चीज़ें मुझे क्या 10 GB टोटल मेरा क्या है फ़ोन में मेरी जो है 10 GB मेरा क्या है डेटा है, जो कि ये फ़ोन में मैं क्या करूँगा ट्रांसफ़र कर दूंगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट नाउ के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको बोल रहा है फिंगरप्रिंट डालो, या तो आपके फ़ोन का जो पैटर्न है वो डालो। तो मैं क्या करूँगा तो दोस्तों जैसे मैं फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगा देता हूँ ना तो मेरा जो डेटा है ना पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में क्या होगा ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अभी 26% पूरा हो गया है। ऐसे करके 10 से 15 मिनट आपका लगेगा और पूरा के पूरा जो डेटा है वो क्या है पूरा के पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे बार बार क्या है कि स्क्रीन सेवर के लिए बार बार ये क्या बंद होगा ताकि आपका जो बैटरी लाइफ है वो चलता रहे, इसके लिए वो बार बार स्क्रीन सेवर आएगा। चाहे तो आप ऐसा रख के भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा, 15 से 20 मिनट में आपका जो सारा डेटा है वो पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में क्या होगा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हो अपना जो पुराने फ़ोन का डेटा है सारा का सारा ट्रांसफ़र करते हो, एक ही बार में ट्रांसफ़र कर लोगे, आपके कॉन्टैक्ट इमेजेस वीडियोज़ वगैरह आपके जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे एक ही बार में ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके पुराने फ़ोन से नए फ़ोन के अंदर। तो ये वीडियो कैसा लगा, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।